घटता रोज के गए से कर्जा टूटे दय से। आए गए से होत चिनारी यान गाँव के गए से। ईश्वर कात मेरे नाम मिटने मेरे नाम मिटने। बिना न्याय के भय से रे तो जब समय समय की बात कात हो। अरे एक दिन सब पे आन परो। अरे कर्म की रेखा तरे न तारी। अरे भोग जीने जान करो। विशेष बात श्रोता बंधुओं से एक विशेष बात कहना चाहता हूं मैं कि छोटा हूं बिल्कुल छोटा हूं छोटा सा कलाकार हूं पहले से हूं और आज जो कुछ भी देन है तो सम्मान्य हमारे भैया पवन भाई साहब जी की ये देन है जो कि उनके द्वारा मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं। इनकी बड़ी ही मेहरबानी है मेरे ऊपर। मैं इनका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। इन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन करवाया है। इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इन्होंने मुझे एक अंधे आदमी जैसे के लिए और इतनी रोशनी डाल दी कि मैं कुछ दूर तक देखने के लायक बना। तो केवल इनका ही जरिया है इसमें। पवन केसर टीकमगढ़ के द्वारा
आप लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है तो सब इन्हीं की देन है। ऐसे हो गए सतधारी धर्म के पीछू कुंवर बेच दे और बेच दई घर वारी। धर्म की बात नहीं रे तारी मैं तर के घर करे चाकरी मरगट की नी रखो आरी। अरे मैं तर के घर पानी भरो करम की रेखा तरे ना तारी भोगो जीने जान करो। जे पाई जनन रे रन में अरे इंद्रपुरी से एरा पत खां बुलवा लो एक पल छम में। धूम धाम से पूजा कीनी अरे खुशी भई माता मन में एक दिना कत बेई अर्जन खां भील लूट रहे थे वन में। कछु भाव नहीं आते करो करम की रेखा तरे ना तारी भोगो जीने जान करो। एक दिन सब बयान परो करम की रेखा तरे ना तारी भोगो जीने जान करो।
कने माने समझाई, हर दम रहे लक्ष्मी संग में, अरे सो भैयन के है भाई। कीरत जग छाई, अरे महाभारत में युद्ध भये सो बंसहान वन करवाई। अरे जिनकी कीरत रे जग छाई, अब महाभारत में युद्ध भयो सो बंसहान वन करो भाई। करम की रेखा तरे ना तारी वो ने जान करो। और आप ये जो आनंद ले रहे हैं पवन केसर टीकमगढ़ के द्वारा, आप लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाया जा रहा है, जिसके कलाकार हारमोनियम पर साथ दे रहे श्रीलाल, ग्राम पोस्ट पनवारी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, एवं हमारे भैया ढोलक पर साथ दे रहे हैं राकेश भाई साहब पड़माड़ा टीकमगढ़ वाले, और झेला पर साथ दे रहे हमारे बिहारी लाल भाई साहब पनवारी वाले, और मजीरों पर साथ दे रहे हमारे भैया गनू भाई साहब ग्राम पनवारी वाले। तो एक विशेष ध्यान दे कि इस कार्यक्रम को आप अवश्य स्वीकार करें, और इसी तरह से हम आप लोगों तक तरह तरह के कार्यक्रम भेजते रहेंगे, और आपको मोबाइल पर ये नंबर मिल जाएगा। और वैसे मैं अपना बोल दे रहा हूं, मेरा नंबर है 91-79-46-98-00। और इस नंबर के द्वारा श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि इसका रिजल्ट हम तक अवश्य पहुंचाएं, ये मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि इस रिजल्ट को, मैं तो एक विद्यार्थी की तरह हूं, पेपर कर रहा हूं, और इस पेपरों की समीक्षा आपके हाथ में है, इसका रिजल्ट बनाना आपके हाथ में है, और हमारे लिए मैं आशा करता हूं कि ये रिजल्ट इस नंबर के द्वारा अवश्य दें। धन्यवाद। धूम धाम से अरे पूजा कीनी खुशी भैरी माता मनो में,
एक दिना कतबे अर्जुन भील लूट रहे थे वन में। और ये बहुमूल्य पुरस्कार 501 रुपए का सम्मान्य हमारे पवन स्टूडियो के निर्माता सम्मान्य हमारे बड़े भैया जिनका मुख्य नाम सम्मान्य श्रीमान श्री रमेश प्रसाद जी नाम है, जो पवन केसर टीकमगढ़ के द्वारा आप लोगों तक नाना प्रकार के कार्यक्रमों को और भेज रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा आप लोगों तक मैं भी शायद मेरी किस्मत के पहुंच जाऊंगा।